गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो यहाँ हुआ है 5:45 बजे का टाइम सुबह सुबह, और मैं बस उठ के आई थी। तो किचन पे आई तो यहाँ संजीव ने मेरे जाने के बाद कुछ खाया होगा, उसकी बुआ लेके आई होगी, तो वही बर्तन है उन्हें मैं इकट्ठा कर देती हूँ सिंक में, और स्लेब पे गैस पे कपड़ा लगा देती हूँ। वैसे तो रात को सारे मैं धो के साफ करके जब जाती हूँ बिल्कुल किचन को क्लीन करके, लेकिन सुबह सुबह फिर एक बार इसे लगा लेते हैं और जो एक दो बर्तन हैं उसे धो लेते हैं। रात में इसकी बुआ मोमो स्प्रिंग रोल वगैरह लेके आई होगी मेरे ऊपर जाने के बाद देर रात से, तो इन्होंने वही खाए होंगे, वही प्लेट वगैरह रखी है, और दूध दे के गई थी भैया को, तो दूध का कप तो वही है, वही मैंने बर्तन हटा लिए हैं और अभी मैं उन्हें साफ करूंगी। और आज ऐसे रात भी है तो फटाफट से पहले किचन में ही लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बर्तन साफ करूंगी वो, और स्लेब पे कपड़ा लगाऊंगी। वैसे तो बिल्कुल साफ करके गई ही थी रात में, लेकिन फिर भी सुबह सुबह एक बार कपड़ा लगाना होता है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन भी साफ कर लिए हैं और कपड़ा भी लगा लिया है। तो उधर मैंने कुकर में रख दिए हैं आलू उबलने के लिए, और इधर भिगा दिए हैं मैंने गर्म पानी में चावल। और यहाँ पे मैं बना देती हूँ संजीव के लिए दूध, चीनी वाला गर्म कर देती हूँ। संजीव का है एग्जाम तो वो जल्दी आ जाता है, तो लंच वगैरह नहीं लेके जाता, तो मैं इधर उसी से बातें कर रही थी। जगा दिया था मैंने उसे, तो वो 6:30 जाएगा स्कूल, जगा दिया था वो, फ्रेश व्रेश मंजन वगैरह अपना कर रहा है, तैयार हो रहा है, और तब तक मैं अपना काम में लग गई हूँ। फिर मैं भी नहाऊँगी, पहले वो हो जाता है तैयार फिर उसके बाद, तो तब तक मैंने आलू वगैरह उबलने रख दिए हैं, फिर नहाऊँगी। तो यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही हूँ भैया के लिए, और चावल मैंने भिगो दिए हैं। जब तक दूध बॉईल होएगा खीर का, तो चावल अच्छे से भीग जाएंगे गर्म पानी में, और खीर भी बनानी है मेरे को। तो बस यहाँ पे पहले संजीव का दूध गर्म कर दूँ, फिर गैस फ्री हो जाएगी, तो फिर खीर के लिए भगोना रख दूँगी और दूध चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे मैं भैया के लिए दूध गर्म कर दिया है और निकाल के रख दिया है। अभी मैं कर लेती हूँ बाकी का अपना कोई और काम, तो इसे भी मैं धो के साथ साथ रख देती हूँ, क्योंकि बर्तन जूठे अभी कुछ भी है नहीं और रखने भी नहीं है। तो पूजा वूजा होएगी तो सब साथ साथ ही साफ करती रहूँगी मैं, जो भी कुछ गंदा होएगा। तो यहाँ पे दूध गर्म करके रख दिया है, वो तैयार हो जाएगा तब पी लेगा। और यहाँ पे मैं उठा देती हूँ बिस्तर जो ये नीचे डाल के सोते हैं हॉल में, तो ये गद्दे वगैरह चादर मैं फोल्ड कर देती हूँ। संजीव होने लग रहा है तैयार, और ये उसके स्कूल की ड्रेस है, पहले भी दिखाया होगा मैंने व्लॉग में, और मेरे बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये वाली ड्रेस। पहले वाली थी वो तो सही थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद जब ये चेंज हो गई थी, पहले दूसरी थी ग्रे से कलर की अलग सी, और अभी ये हो गई। तो संजीव हो गया है यहाँ पे रेडी, जूते वगैरह पहनने रह रहे हैं, और वो तैयार हो गया है, तो वो अपना कर रहा है कुछ, और मैं अपना बिस्तर फोल्ड कर लेती हूँ, और दिन थोड़ा आराम से कर लेती हूँ, इतनी हड़बड़ी नहीं रहती है। लेकिन आज श्राद्ध है, तो श्राद्ध निकालना है, तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, और पंडित को भी खाना खिलाना है, तो फिर टाइम से ही खिलाना पड़ता है, और गाय का भी निकालना पड़ता है, तो वही सब। और फिर वो चाचा की लड़कियाँ रखी हैं भारती, प्रीति, ननद वगैरह, तो उन्हें भी खिला दूंगी, मैंने कहा अभी टाइम पे यहाँ रखी हैं तो सही है, क्योंकि श्राद्ध पे ननद वगैरह को खिला दो तो अच्छा रहता है, और अभी यहाँ हैं तो ये सब भी खा लेंगे, पर पहले पंडित जी खाएंगे, फिर उसके बाद इन्हें खिलाऊंगी, और उन्हें आज जाना भी है, तो इसलिए मैं सोच रही कहीं लेट ना जाएं। तो फिर मैंने चाची से पूछा, कहा चाची ने तो वो तो आराम से जाएंगे, मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ संजीव अपने शूज पहन रहा है, और मैं अपना फटाफट काम कर देती हूँ, और ये कपड़े जो उसने अभी निकाले थे वो हैं, तो अभी टांग देती हूँ। आज कपड़े नहीं धोऊंगी, श्राद्ध है, तो श्राद्ध वाले दिन सुबह सुबह कपड़े नहीं धोते, देखते हैं टाइम लगेगा तो शाम को धो लेंगे। और यहाँ पे मैंने कपड़े उठा दिए हैं फटाफट, देखो अपने काम में लगी हुई हूँ, तो गद्दा भी उठा देते हैं। और मैं संजीव को दे रही थी यहाँ पे दूध, तो उसने एक घूंट पिया, बोला मम्मी बहुत तेज़ गर्म हो रहा है, उसने वापस से रख दिया। मैंने कहा टाइम होने वाला भी है बेटा गर्म हो रहा है, तो फिर मैंने उसे दोबारा से चायदान में हिला के पानी में रख के फिर ठंडा करके दिया। कह रहा मम्मी थोड़ा तेज़ गर्म है, तो यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा पानी चला दिया साइड में, सिंक में पानी भर जाता है, और फिर मैं इसको ठंडा करके दे देती हूँ। एक दिन मैं ऐसे ही कर रही थी, तो संजीव बोला मम्मी मेरे दूध में पानी मिला के दे रहे हो क्या, मैंने कहा हाँ। और यहाँ पे बस मैं उसे दूध ठंडा करके दे देती हूँ, फिर बाकी के जो अपना काम अधूरा छोड़ दिया था बिस्तर उठाते उठाते। और यहाँ पे मम्मी अंदर लेटी हुई है, मतलब सो रही हैं, अभी उठी नहीं है, आँख लग रही है, तो मम्मी कमरे का करूँगी बाद में कर लूँगी, तो यहाँ का अपना फटाफट से उठा देती हूँ बिस्तर। और अभी दूध हो गया था ठंडा, तो संजीव ने फटाक से पी लिया है,
और अभी संजीव जा रहा है अपना वो स्कूल, तो बैग वैग लेके नहीं जाता ना लंच, तो अपने किट किट लेके जाता है, एग्जाम चल रहे हैं ना, तो और संजीव चला गया है स्कूल, और बस अभी फटाफट कर लेते हैं अपना बाकी का काम। और मैंने अपने लिए पानी लगा दिया है, सुबह सुबह बहुत ठंडा पानी आता है तो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, और फिर मैं भी नहा लूँगी। और यहाँ पे मैंने खोल दी है खिड़की, और खिड़की पे साथ साथ कपड़ा भी लगा दिया है, और अभी आ जाती है सोफे की बारी। तो यहाँ पे संजीव का फ़ोन रखा हुआ, इसे मैं लगा देती हूँ चार्जिंग में, क्योंकि वो स्कूल चला गया है तो आगे जब तक चार्ज हो जाएगा लगा दिया है। अभी लग गई हूँ मैं सोफे का कवर सही करने, और हो गया था मेरा खाना पीना तो बन गया था 9 बजे तक, लेकिन फिर मंदिर गई मैं, मंदिर नहीं होके आई थी ना, बताया मैंने आपको सुबह मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ, तो फिर मैं गाय वाय का खाना निकालने के बाद मंदिर गई, ये गाय को खाना दे के आए, और मैं मंदिर साथ साथ ही दोनों काम करके आ गए थे, स्कूटी से चले गए थे, ये गाय की रोटी भी दे आए थे, गाय को कुत्ते को जो देनी होती हैं, और मैं मंदिर होके आ गई थी। फिर उसके बाद 10 बजे पंडित आ गया था, 10:15 बजे पंडित आ गया था, 10 बजे की उन्होंने बोली थी, 10:15 तक ही आ गए थे। फिर उन्होंने पहले खाना वाना खाया, फिर मैंने इन्हें फ़ोन कर दिया था, फिर इन्होंने खाना खाते खाते लेट कर दिया था, तो प्रीति आ गई थी पहले, भारती कहीं बाहर गई थी तो वो लेट आई थी 1 बजे, तो वही खाने में 1 से 2 बज गया था काम होते होते, क्योंकि खाना खाने फिर वो लेट आए, तो फिर जब तक खाना ना खाओ तो फिर किसी को बोलो खाने के लिए, और जब तक खाना ना खाएं तो फिर कोई काम भी नहीं होता है। और अभी बस मैं नहा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ। यहाँ पे आलू उबल गए हैं और खीर के लिए दूध चढ़ा रखा है देखो, और इसमें मैंने चावल भी डाल दिए हैं, और इधर मैंने टमाटर वगैरह निकाल लिए हैं, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी, और तोरी भी निकाली है ज़रा सी, तोरी की भी बनाऊंगी। तो चलो अब कर लेते हैं फटाफट काम। तो खीर बन के हो गई है तैयार, और अभी बज गए हैं 9, और मैं 6 बजे उठी थी, 2.5 घंटे तो मैंने खीर को ही पकाया है, तो अभी गैस फ्री हुई है, अभी कुछ और रखा हुआ है, खीर बन गई है, और आटा लगा के रख रखा है मैंने, पूड़ी का पूड़ी बनाऊंगी, और पंडित जी को खाना खिलाऊंगी, तो वो थोड़ा सा देर से आएंगे 10 बजे, तो उस हिसाब से बना रही हूँ। और यहाँ पे आलू टमाटर छौंक रखा, मतलब अभी थोड़ा सा और उबलेगा, खद्दे लग रहा है, और इधर करसी करके गाय की रोटी बना लूँगी मैं, पहले गाय की बनेंगी रोटी, फिर बाद में पूड़ी बना लूँगी। और ये तोरी थोड़ी सी बनाई थी, तोरी तो वैसे कोई खाता नहीं, पर थोड़ी सी मैंने बना ली थी, हमारे पापा को बहुत पसंद थी। तो यहाँ पे बस अभी आलू को पकने देते हैं, और ये करसी हो जाए, फिर मैं ना गाय की मांडी निकाल दूँ, गाय की और कौवे की और कुत्ते की, फिर गाय को दे आएंगे पूजा करके, जब तक ये करसी हो जाए। इसे ढक देते हैं, उबाल आ जाएगा। तो यहाँ पे गाय का और कौवे का और कुत्ते के लिए खाना निकाल लिया था, और अभी कर लेते हैं पूजा, और फिर उसके बाद यहाँ पे पूजा वूजा सब हो गई थी, और फिर ये सब खाना खा रहे थे, मैं गर्मा गर्म पूड़ी निकाल देती हूँ साथ साथ, और ये खाना खा रहे थे, सबसे पहले पंडित जी खा रहे थे, तो किसी को दिखाया नहीं था वीडियो में, और अभी